औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इरशाद हेल्थ सेंटर की तरफ से माहिर नफ्सियात हकीम डॉक्टर इरशाद सैन तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आज हम बात करेंगे केले के बारे में, बनाना के बारे में, कि इससे किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में फ़ायदे उठा सकते हैं, किस तरह से मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ कुत मदाफियत पैदा की जा सकती है। केले के इस्तेमाल करने से हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। केले के इस्तेमाल करने से हम विटामिन कैल्शियम लेवल को किस तरह से पूरा कर सकते हैं। मेरे भाइयों, केले के बहुत से फ़ायदे हैं कि केले का इस्तेमाल करेंगे तो हम कौन कौन सी बीमारियों के ख़िलाफ़ इसके इस्तेमाल करने से बच सकते हैं। मेरे भाइयों, केले का सबसे पहला फ़ायदा है कि अमराज़ कलब में जिन लोगों को दिल के अमराज़ हैं उसमें बहुत ही बेहतरीन है कि केले का इस्तेमाल करवाया जाए, तो इंशाअल्लाह बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। नंबर दो पर मैदे के मरीज़ों के लिए केला बहुत ही अहम चीज़ है। मेरे भाइयों, मैदे के मरीज़ केले का इस्तेमाल करेंगे तो मैदे की मुख्तलिफ बीमारियों में अफाका आता है। ख़ास तौर पर मैदे के अल्सर में केला, अल्सर के मरीज़ों के लिए केला बहुत ही मुफीद है। और तीसरे नंबर पर केला दिमागी सलाहियतों को बढ़ाता है, इससे दिमाग की सलाहियतें बढ़ती हैं, दिमाग तेज़ होता है, आंखों की बनाई तेज़ होती है। और चौथे नंबर पर केले के फ़ायदे हैं कि केला हड्डियों को मज़बूत करता है, केला पट्ठों को मज़बूत करता है। केले के अंदर अल्लाह पाक ने इस कदर कैल्शियम की मकदार रख दी है कि कैल्शियम लेवल को भी पूरा करता है। और पाँचवीं इसकी पांचवा पॉइंट है कि जो जिन बच्चों की ग्रोथ रुक गई है, जिन बच्चों को हाइट के प्रॉब्लम है, जिन बच्चों को कैल्शियम की कमी है, जिन बच्चों को कैल्शियम लेवल कम हो गए हैं, वो मुख्तलिफ मेडिसिन का इस्तेमाल करवाते हैं। मेरे भाइयों, केले में अल्लाह पाक ने इस कदर कैल्शियम भर दिया है, केले में इस कदर अल्लाह पाक ने शफा रख दी है कि अपने घरों में केले का इस्तेमाल करवाएँ, अपने बच्चों को केले का इस्तेमाल करवाएँ, तो इंशाल्लाह कैल्शियम लेवल चंद ही दिनों में पूरा हो जाएगा। और इसकी छठी वजह है कि केला इस्तेमाल करवाने से दांतों की मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ कुव्वत मदाफियत मिलती है। दांतों के दर्द के लिए, दांतों की जो मसूड़े दर्द करते हैं, मुंह के अंदर बदबू आती है, इसके लिए केला बहुत ही मुफीद है मेरे भाइयों। और आखिरी वजह है इसकी कि लूज़ मोशन में केले की क्या अहमियत है। मेरे भाइयों, जिन बच्चों को लूज़ मोशन लग जाते हैं, एक अदद केले का इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह उनके लूज़ मोशन ठीक हो जाएंगे। जिन लोगों को मुसलसल लूज़ मोशन की शिकायत रहती है, दही के अंदर केले को मिक्स करके इस्तेमाल करवाएं तो इंशाल्लाह चंद ही दिनों में अफाका आ जाएगा, मैदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मोशन ख़त्म हो जाएंगे। और इसकी आखिरी वजह है कि केले के इस्तेमाल करने से बहुत सी पोशीदा बीमारियों से आप बच सकते हैं। मेरे भाइयों, जो बंदा रोज़ाना 4 से 5 अदद केले का केले खाता है या केले का मिल्क शेक इस्तेमाल करता है, तो वो मर्दाना कमज़ोरी से भी उसको अफाका होगा, मर्दाना कमज़ोरी दूर हो जाएगी, उसके जिस्म के अंदर पट्ठों में ताकत आ जाएगी। मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी में केले का इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को इस्तेमाल करवाएं, अपनी डेली की ग़िज़ाओं में इसका इस्तेमाल करें तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सी बीमारियों के ख़िलाफ़ पावर पैदा कर सकते हैं, आप अपनी एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह पाक आपको और आपकी फ़ैमिली के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।